सेफ्टी टिप्स व्हाइल यूजिंग कंप्रेस्ड एयर पार्ट टू। हाय फ्रेंड्स, मायसेल्फ विवेक भटनागर एंड आई रिप्रेजेंट माय कंपनी मिसेस सेंटेक सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस। वी आर इनटू एयर कंप्रेसर्स, कंप्रेस्ड एयर एक्सेसरीज, कूलिंग टॉवर्स, इंडस्ट्रियल चिलर्स एंड इंडस्ट्रियल पाइपिंग सॉल्यूशंस फॉर कंप्रेस्ड एयर, वाटर, केमिकल्स, नाइट्रोजन, वैक्यूम एंड वी शेयर एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 नोज या 5 लेवर्स बताए थे रिगार्डिंग द सेफ्टी टिप्स व्हाइल यूजिंग कंप्रेस्ड एयर। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऑलवेज इन द सेंस क्या हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल यूजिंग कंप्रेस्ड एयर। पहला पॉइंट ये है कि ऑलवेज वेयर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हाइल हैंडलिंग कंप्रेस्ड एयर। इसका मतलब हियरिंग प्रोटेक्शन, सेफ्टी ग्लासेस, साइड शील्ड, फेस शील्ड, इवन रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यू शुड वेयर व्हाइल यूजिंग कंप्रेस्ड एयर। सेकेंड, ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग व्हाइल यूजिंग कंप्रेस्ड एयर। हमारे जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हमेशा पहनें। तीसरा, व्हेनेवर वी आर कंडक्टिंग रिपेयर्स ऑन द प्रेशर सिस्टम ऑफ कंप्रेस्ड एयर, मतलब कोई भी एयर कंप्रेसर का पार्ट, एयर रिसीवर या पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो प्रेशराइज्ड है, कोई भी इस एरिया में आप जब काम करना चाहते हैं तो इसका ध्यान रखिए कि आपका हर तरफ से उसका प्रेशर रिलीज हो चुका है, सिस्टम में प्रेशर नहीं रहना चाहिए। और अगर है भी तो उस एरिया को आप लॉकआउट कर चुके हैं या टैग आउट कर चुके हैं ताकि कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर उस एरिया में नहीं आए, अदरवाइज इट कैन लीड टू अ वेरी सीवियर एक्सीडेंट। चौथा ये पॉइंट है कि ऑलवेज चेक द प्रेशर रेटिंग एंड लिमिटेशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी के टायर में हम हवा भरते हैं तो उसके लिमिट प्रेशर्स को हमेशा चेक करें, और जिस इक्विपमेंट के थ्रू हम भर रहे हैं उसके भी अपर लिमिट को हमारे ध्यान में रहना चाहिए। जो होजेस हम हवा फिल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि वी शुड ऑलवेज यूज अ प्रेशर गेज टू सी कि किसी भी कारण से हम मैक्सिमम लिमिट के ऊपर नहीं चले जाएँ, ताकि कोई एक्सप्लोजन नहीं हो जाए या कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए। सो प्रेशर लिमिट्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एंड फाइनल पॉइंट ये है कि ऑलवेज वी शुड चेक जो भी हम पाइप्स होजेस यूज़ करते हैं कंप्रेस्ड एयर के लिए वो अच्छे और बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में हो, किसी भी तरह का डैमेज, होल्स से लीकेजेस और क्लॉगिंग हो सकता है, किसी एक पॉइंट पे हो रहा तो दूसरे एरिया में प्रेशर अननेसेसरी बिल्डअप हो सकता है। तो हमेशा अपनी होज पाइप्स या जो भी आपके ट्यूबिंग्स हो उसकी कंडीशन को चेक करके रखिए, किसी भी तरह के लीकेजेस हो तो उसको रिप्लेस करिए, अननेसेसरी उसको रिपेयर मत करिए। तो ये 5 ऑलवेज पॉइंट्स हैं, मतलब जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल यूजिंग कंप्रेस्ड एयर। आशा करता हूँ विल बी ऑफ सर्विस टू यू। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करिए आपके और भी लोगों के साथ जो इसे बेनिफिट ले सकें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।